आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं लिखने का पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे लिखा जाएगा और पूरा साथ ही साथ मैं लिख कर भी बताऊंगा। देख सकते हो आप लोग, आपके सामने है यहाँ पर कॉपी बोर्ड वाली, जैसे रहेगी सेम टू सेम। अब इसमें बताऊंगा पूरा मैं लिख के। चलो बिना टाइम आपका वेस्ट किया, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लिख कर बताते हैं कि कैसे लिखोगे। ऊपर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना होता है, इसको आप डाल लेना, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा। तो चलो आप इसको तो मुझे पता ही है डाल लोगे अब, या फिर चलो मैं डाल के बता देता हूं। ऐसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या। और प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद अब जो भी संख्या रहेगी, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या, उसको ऐसे यहां पर डाल देना, ठीक। उसके बाद एक कर देना इसके नीचे अंडरलाइन। देखो मेरी स्केल पता नहीं यार कहां चली गई है, तो मैं ये जो पेन है इसी से ही थोड़ा इससे काम चलाना पड़ रहा है, तो इतना आप लोग इग्नोर करना। ये सीधी पता नहीं सीधी खिंचाए नहीं लाइन, देखते हैं, हो गई सीधी। अब इतना डालने के बाद अब जो भी है, फिर जिसका जीवन परिचय, इसमें तुलसीदास जी का लिख रहे हैं तो यहाँ पर डाल दो तुलसीदास, या फिर नहीं तुलसीदास नहीं। अब क्या करना, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना लिखने का, आ जाना साइड में और ऐसे यहां से ऐसे लाइन खींच देना। ये देखो इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद अब यहां पर सबसे पहला जो आपका पॉइंट बनेगा, सबसे पहला पॉइंट बनेगा नाम का, नाम। अब जिसका भी जीवन परिचय लिख रहा है तुलसीदास, तो नाम पे हम लिख देंगे यहां पर तुलसीदास। क्या लिखेंगे, नाम तुलसी दास, ठीक। नाम हमने लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब उसके बाद आएगा जन्म, तो यहां पर डालते हैं जन्म, इनका जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, तो लिख दो ऐसे 1532 ईस्वी। इतना हो गया। अब इतना लिखने के बाद फिर क्या करोगे, नाम हो गया, जन्म हो गया, अब यहाँ पर जन्म स्थान भी लिख दो कि कहाँ पर किस जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जन्म स्थान, तो जन्म स्थान राजापुर था, तो यहाँ पर लिख दो ऐसे राजापुर, ठीक, लिख देते हैं राजापुर। सेम टू सेम ऐसे ही लिखना, पूरा वीडियो देखते चलना, जैसे जैसे लिख रहा हूं ऐसे ऐसे लिखना है। इसके बाद अगर इनके पिता का नाम पता हो या फिर माता का नाम पिता हो तो उसको लिख सकते हो। इनके माता का नाम क्या था, हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था आत्माराम दुबे, तो चलो ऐसे लिख दो पिता, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम माता, पिता और माता, जो जो मेन मेन चीजें हैं वो इस साइड में लिखना पड़ेगा। तो पिता का नाम इनके था आत्माराम दुबे, आत्मा राम, और ये माता का नाम था हुलसी, ठीक, हुलसी। अब इनके मृत्यु लिख दो, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी किस सन में हुई थी, तो 1623 ईस्वी में हुई थी, 1623 ईस्वी। अब आप मुझे एक चीज ये जोड़ के बताना कि ये कितने साल दिए थे, 1532 में या फिर इससे लेकर 1623, मतलब कितने साल हुए बीच का। अब एक चीज लास्ट में चाहो तो इनकी रचनाएं वगैरह लिख सकते हो, नहीं तो इतने से ही क्या करना, फिर एक ऐसे स्केल लेना है, ये मैं पेन से कर रहा हूं, आप पेन उनसे मत करना, स्केल उस्केल बढ़िया ले जाना। मैं भी यार रखा था लेकिन पता नहीं कहां गायब हो गई अभी, तो मैं सोचा चलो पहले वीडियो बना लेता हूँ। अब देखो इतना लिखने के बाद फिर आ जाना यहाँ, अब इस साइड डालना है जीवन परिचय। क्या डालोगे, जीवन परिचय, ऐसे लिखो जीवन परिचय, ठीक, जीवन परिचय डाल दिए। और जीवन परिचय हम ऐसे कर देंगे और फिर आते हैं नीली पेन लेते हैं और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। इतना हो गया। अब यहां से शुरू करना है जीवन परिचय लिखना। अब इसमें भी लिखने में भी कुछ तरीका अपनाना है जो कि मैं बताता हूं, चलो देखते रहो आप लोग। अब लिखना है तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसी दास जी का जन्म। अब देखो जब जन्म लिख रहे हो तो उसको क्या करना, काली पेन से, जैसे ये नीलिस लिखी हो तो काली से, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को दिखेगा। अब देखो जन्म कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी ना, सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले में
बांदा जिले में, बांदा जिले के जिस गांव में हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था, लिख दो राजापुर। तो इसको देखो हमने काली से लिखा है, काली से क्यों लिखा, ताकि थोड़ा अलग इंप्रेशन जाए। राजापुर नामक गांव में हुआ था, नामक गांव में हुआ था, इतना लिख के मैसेज डाल देंगे। फिर आप कुछ लोग इनका जन्म स्थान क्या सोरो भी मानते हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। काफी लोग बताते हैं कि सोरो में हुआ था, काफी लोग राजापुर, तो अलग अलग न्यूज है। अब इसके बाद फिर लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है, क्योंकि ये राजापुर में ही इनका हुआ था। अब इसके बाद तुलसीदास जी सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे, ऐसे लिखो तुलसी दास सरयू पारीड़, सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। उसके बाद इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था। तो यहां पर फिर लिख दो काली पे नाओ, इनके पिता का नाम आत्मा राम तथा माता का नाम, तथा माता का नाम हुलसी था। माता का नाम इनके क्या था, हुलसी। तो ऐसे लिख देंगे हुलसी। अब देखो बीच बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे काली पेन से लिख दिया ताकि एक अच्छा दिखने में लगे। अब इसके बाद इनका जो जीवन पैटर्न थोड़ा सा विस्तृत है, ठीक, काफी थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि इतना हो गया, इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। अब इसके बाद फिर लिख दो कि एक बार इनका क्या हुआ था कि इनके जो माता पिता थे ये इन्हें त्याग दिए थे, और ऐसे लिखो इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे, इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे। इनका बचपन, इनका बचपन, इनका जो बचपन था वो क्या हुआ, तो इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक, अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। और इनके गुरु तो नरिहर दास थे। अब ऐसे मतलब ये देखो हर चीजें नहीं कि इसमें पूरा आपको विस्तार से बताना है, नहीं, जितना शॉर्ट में हो सके और जितना मेन मेन पॉइंट हो सके उतना चीजें करना है। तो ऐसे कह सकते हो कि इनका विवाह, ऐसे फिर यहां पे लिखो इनकी पत्नी का नाम, इनकी, ये मैं अपने शब्दों से लिख रहा हूं, इनकी पत्नी, आपको भी ऐसे लिखना है, का नाम, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तो लिखते हैं यहां पर नाम रत्ना वली था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, ठीक, इतना हो गया। और एक बार क्या हुआ था कि पत्नी द्वारा बिना बताए, एक बार, एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए, पत्नी द्वारा, एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके, एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर, मायके मतलब एक बार पत्नी इनकी बिना बताए इनसे मायके चली गई थी, ठीक है, चले जाने पर आधी रात में, आधी रात में ये,
आंधी तूफान का आंधी तूफान का सामना करते हुए सामना करते हुए आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे, ये अपने ससुराल जा पहुंचे, ये अपने ससुराल जा पहुंचे और जिस वजह से, तो यहां पर लिखना इस पर इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की, इस पर पत्नी ने इनकी भत्सरना की और जो किया तो उसके बाद इन्होंने एक लाइन कहा था, तो दो दो लाइन है उसको फिर काली पेन से लिखना है ताकि देखने में थोड़ा बढ़िया लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो चलो इसको करते हैं, तो कैसे लगेगा अट्रैक्टिव? अस्थि चर्म महदेय मम, अस्थि ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, यह अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, फिर उसके बाद लिखना तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीत। ठीक, इस प्रकार से काली पेन से लिखना। अब इससे क्या होगा, बीच बीच में अगर कुछ ऐसी चीजें लिख दोगे तो एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट इस पर जाएगी और वो आपको काफी अच्छे नंबर देगा, मतलब उसको देखने से लग जाएगा कि बच्चा एकदम पढ़ने वाला है। अब इसके बाद फिर लिखो, जब इनकी पत्नी ने इनको डांटा फटकारा तो इनकी पत्नी का फटकार सुन के ऐसे लिखना है, अपनी पत्नी की फटकार, अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य प्राप्त हो गया या फिर वैराग्य हो गया, मतलब वो सब घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। ठीक है, वैराग्य हो गया और उसके बाद क्या हुआ, फिर काशी के 80 घाट पर, ऐसे लिखो कि काशी के 80 घाट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग भी सुने होंगे बहुत बार इसका नाम सुने होंगे 80 घाट का, तो ऐसे लिखना काशी के 80 घाट, घाट लिखना है, घाट पर सन 1623 ईस्वी, सन 1623 ईस्वी में, सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इनका स्वर्गवास हो गया। अब चलो और दूसरे पेज में लिखते हैं। अब देखो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई तो उसके विषय में एक दोहा भी प्रचलित है, तो चलो ऐसे लिखेंगे यहां पर सबसे पहले कि इनकी मृत्यु के संबंध में, इनकी मृत्यु की संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है, निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। अब कौन सा दोहा प्रसिद्ध है उसको लिखना है काली पेन से, ध्यान देना सेम पेन से नहीं लिखना है ताकि थोड़ा अलग अलग दिखता रहे। जो दोहा है वह है संवत 1600
अस्सी, सौवां 1680, ठीक। अस्सी गंग के तीर, अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर, तुलसी तज्जो शरीर, ये हो गया। तो देखो ये इस प्रकार से लिख देना है। अब इनकी रचनाएं लिखते हैं, तो यहां पर डाल दो हेडिंग रचनाएं, और इतना डालने के बाद इनकी रचनाएं जो लिखें कि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है, ऐसे तुलसी दास जी की, तो चलो लिखते हैं यहां पर तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। अब कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो यहां पर काली पेंसिल लिख दो, नहीं नीली से हम लिखते हैं। सबसे पहली तो है श्री रामचरितमानस, जो कि सबको पता है, श्री राम चरित मानस, सबसे पहली रचना है दोस्तों श्री रामचरित मानस। और दूसरी है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। अब उसके बाद तीसरी है गीतावली, फिर है जानकी मंगल पार्वती मंगल दोहावली, दोहावली, और है जानकी मंगल और है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। तो ऐसे ऐसे काफी आदि डाल देते हैं, मतलब काफी सारी रचना है, तो इतना लिख दोगे तो सही है, बेस्ट। अब देखो इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेगा, मतलब एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये सोचो कि बस डायरेक्ट डायरेक्ट आप ऐसे डाल दो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे आपको अच्छे से विधिवत लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। बाकी हाँ दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका एग्जाम आ गया एकदम नजदीक, बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स आ गया क्रैश कोर्स अंतिम दिनों की तैयारी। कुछ ही दिन में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, उसे क्लिक करके जरूर से आप लोग ज्वाइन हो जाना। बाद में आप लोग खुद ही ज्वाइन हो गए तो इससे बढ़िया कि अभी ज्वाइन हो जाओ और उससे पढ़ो। और बाकी हाँ, अगर कहीं दिक्कत आती हो, कुछ भी आपको परेशानी आती हो, तो ये है इंस्टाग्राम आईडी जो कि पीयूष मौर्य 1001 है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।